बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हालात हाजरा के खसूसी बुलेटिन एएनएन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर। नाजरीन, साल 2020 के आगाज़ पर ही दुनिया को कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा का सामना करना पड़ा। इस वबा से नबर्द आजमा होने के लिए सिवाय लॉकडाउन के तमाम तदाबीर बेसूद साबित हुईं। आलमी अदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 31,01,786 अफराद इस मुहलिक वबा का शिकार हैं। 3,98,483 लुकमाए अजल बन चुके हैं, जबकि 33,61,447 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अगर बात की जाए वतन अजीज़ पाकिस्तान की, तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी वबा का सामना है। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस के 93,983 मरीज़ों की तस्दीक हुई। 1,265 मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त में हैं। 1,935 अफराद इस वबा का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। हौसला अफजा बात यह है कि आज के दिन तक पाकिस्तान भर में 32,581 अफराद बफजले ताला इस मूजी मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। नहायत कमज़ोर मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान में भी लॉकडाउन को ही हतमी तदबीर जाना गया। हम किस्म इज्तमाई सरगर्मियों की ममानियत के साथ साथ इनफरादी सरगर्मियों को भी ज़ाब्ता इखलाक बनाकर महदूद कर दिया गया। कोरोना वायरस के साथ साथ हमें टिड्डी दल की कुदरती आफत का भी सामना है। दरिया असना मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल, गंदम का बहरान, छोटे ताजरों, दुकानदारों और दिहाड़ीदार तबके के मसाइल भी दरपेश हैं। इन तमाम मामला से नाजरीन को आगाह करने के लिए मरूफ सियाहती मकाम मलका कोहसार मरी से हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा बानो। पाक अखवान चमन बार्डर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं इमरान अतार। गुजरात से हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अवैस बेग ने और लैया से हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद जुनैद तारिक। तो बिला तखीर रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा बानो। जी हुमैरा बानो, चूँकि मरी एक सियाहती मकाम है और यहाँ पर बसने वाले अफराद का ज़रिया माश भी सियाहत से वाबस्ता है। लॉकडाउन के बाद सियाहत में कमी और मुकम्मल तौर पर सियाहत को बंद करने से जो मकामी आबादी को मसाइल हुए, उनके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। और दरिया असना हुकूमत सियाहत को दोबारा से जारी करने के मामले में गुफ्तगू कर रही है। इस हवाले से SOPs के हवाले से आपकी क्या तजावीज़ हैं और मकामी ताजरान का क्या कहना है? जी जी बिल्कुल, मैं मलका कोहसार मरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तो ये ऐलान किया गया है कि जो सियाती वो हैं उनको मकामात हैं उनको खोला जाए और लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है। लेकिन जो हुकूमत पंजाब है उनकी तरफ से कोई भी SOP अभी तक जारी नहीं की गई है जिससे सियाह जो हैं वो मरी का रुख कर सके और मरी में आ सके। अभी कुछ देर पहले ही हमने कुछ सियाहों से बात की है तो उनका ये कहना है कि मरी एक सियाती मकाम है और हम लोग यहीं पर आके सुकून यहाँ पे आके पाते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ते बंद होने की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो है हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और काफ़ी अर्से से हम लोग घरों में बंद हैं जिससे हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मरी के अगर माशी हालात की बात की जाए तो इस टाइम बिल्कुल वो ज़ीरो पे है और यहाँ पे होटलों के निज़ाम जो हैं वो दरम बरम होकर रह गए हैं। तमाम कारोबार जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर किसी जगह पर कोई भी ऐसा कोई इक़्तदाम नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सियाह है, ना ही होटलों को यहाँ पर खोला गया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट ओपन किए गए हैं, जिससे जो मरी के मकामी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हाल भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा हुमैरा बानो, ये बताइएगा कि अगर कोई माकूल SOPs जारी कर दिया जाए और उसमें सियाहती मकाम को खोल दिया जाए तो इसमें मरी के जो ताजर हैं, जो होटल मालकान हैं या जो इस सियाहत के बिज़नेस से वाबस्ता दीगर अफराद हैं, वो किस हद तक ताउन के ख़ाँ हैं? जी, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर ये लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो इंशाल्लाह हम आने वाले टूरिस्ट के साथ पूरा तावन भी करेंगे, उनको रिलीफ भी यहाँ पे देंगे, उनके साथ अच्छे तरीके से हम लोग उनके साथ सलूक भी करेंगे। लेकिन इसके लिए लॉकडाउन खोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब से यहाँ आएँगे तो मरी का कारोबार यहाँ पर चलेगा क्योंकि मरी का तमाम जो कारोबार है वो सियाहत पर है। और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो एक कमी का ऐलान किया गया है ओगरा की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और इस कमी के बाद पेट्रोल की जो किल्लत का सामना है, क्या मरी में भी इस सूरत हाल से मरी के जो बासी हैं उनको भी इस सूरत हाल का सामना है क्या? जी यहाँ पे टोटल तीन जो हैं पेट्रोल पम्प है जहाँ पे हमारा उनसे रब्ता हुआ है। जो पेट्रोल पम्प के मालिकान हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि अभी तो हमारे पास पेट्रोल है और अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, आगे हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जब से आएँगे तो इंशाल्लाह हम उनके साथ भी तावन करेंगे और उनके साथ हम अच्छे तरीके से उनका तावन भी करेंगे। और इसके अलावा जो है अभी उनके पास पेट्रोल मौजूद है, यहाँ पर पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। शुक्रिया हुमैरा बानो, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे पाक अखवान बॉर्डर चमन का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अतार। जी इमरान अतार, पाक अखवान बॉर्डर चमन पर जो तिजारत की सूरत हाल है लॉकडाउन के दौरान, उसके हवाले से आगाह कीजिएगा, और जो पाक अखवान बॉर्डर को खोला जा रहा है कुछ वक्त के लिए, इसके हवाले से बताइएगा कि इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है मकामी ताजर बिरादरी की जानिब से और उनको क्या मसाइल दरपेश हैं मज़ीद। जी बिल्कुल, लॉकडाउन से चमन की तजारत सख्त मुतासर हुई है। चमन के हज़ारों अफराद का रोज़गार चमन बॉर्डर से वाबस्ता है, क्योंकि बॉर्डर के अलावा चमन में कोई मुतबादिल ज़रा मुआश नहीं है। चमन से यूमिया हज़ारों अफराद का कारोबार अफगानिस्तान जाते और शाम को वापस आते हैं। अब चूँकि 4 माह से छोटी ताजरों पर रोज़गार के दरवाजे बंद किए हैं और सरहद सिर्फ ट्रांजिट के लिए खोला है, जो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन एक तरफा ट्रक अफगानिस्तान को जा रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान से इम्पोर्ट बदस्तूर बंद है। इस तरह के दोनों जानब सरहद के दोनों जानब अफगानियों और पाकिस्तानियों के लिए भी हफ्ते में 1 दिन खोला जाता है, जो हज़ारों अफगानी वतन को वापसी जा चुके हैं। चमन, जबकि अफगानिस्तान में 50 पाकिस्तानी भी वतन वापस आ रहे हैं, जिन्हें स्प्रे के बाद सरहद के करीब क्वारंटाइन किए जाते हैं और क्लियरेंस के बाद अंदरून मुल्क छोड़े जाते हैं। सरहद पर दोनों तरफा पैदल आमदराफ्त इनकी कानूनी दस्तावेजात पर जारी है, जो हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन आते जाते हैं। इस वक्त पर जो बड़ी मुश्किल है वो छोटे तजरों को दरपेश है, क्योंकि इनके 4 माह की मसलसल तजारती सरगर्मियाँ मअतली से सख्त मुतासर हुई है और वो नाश बिना के मोहताज बन गए हैं। ये दाढ़ीदार तबका है, रोज़ाना की बुनियाद पर 500 रुपये कमाते थे और घर चलाते थे। जब से इनकी कारोबार बंद हुई है, शहर में अमन व अमान भी ख़राब होती जा रही है, जोड़ी टिकटी के वारदात से भी इजाफा होता जा रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है। छोटी ताजर और पश्तून कबील तजारत के दोबारा बहाली के लिए आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरे कर रही है, जबकि दूसरे जानब शहर में दफ़ा 140 भी नाफिज है। तमाम जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी है। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतजामिया गिरफ्तार कर रहे हैं और लेकिन लोग गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं रखते। एक तरफा कोरोना वायरस से पंजे गाड़ दिए हैं, दूसरी जानब लोग भूख से मर रहे हैं। चमन शहर में कोई पुरसाल आल नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत की SOPs के मुताबिक चमन शहर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स और मार्केटें पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि दीगर दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुली रहते हैं और जुम्मे को पूरी बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन रहती है। हम कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरों ने एहतियाती तदाबीर पर खास अमल दरामद नहीं किया है, जबकि महकमा सेहत कोरोना केसेस से निपटने के लिए हर दम अलर्ट है। बहुत शुक्रिया इमरान अतार, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे गुजरात का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अवैस बेग। जी मिर्ज़ा अवैस बेग, आगाह कीजिएगा कि गुजरात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की किल्लत की क्या सूरत हाल है और आम शहरी को इससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, नीज़ गंदम के बहरान और चिकन की किल्लत के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद गुजरात में जो है वो पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। गुजरात में जो है वो पेट्रोल जो है वो नायाब हो गया और कुछ पेट्रोल पम्प मालिकान जो है उनकी हड़ताल भी जारी है और अपनी मर्ज़ी के जो है वो उन्होंने रेट लगाए हैं, लगा रखे हैं और शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसा कि 75 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल की फ्लोट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो रेट मुख्तसर किया गया है, मगर शहर जो पेट्रोल पम्प मालिकान है उनकी तरफ से जो है वो 100 से 152 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है वो गुजरात में धड़ल्ले से पेट्रोल जो है वो फ्लोट हो रहा है। मगर जिस पेट्रोल पम्प पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 75 रुपये लीटर के हिसाब से जो है वो साफ पेट्रोल जो है वो आवाम को मुहैया किया जा रहा है। मगर ज़्यादातर जो तादाद पेट्रोल पम्प की है उनमें यही है कि वो जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो है उन्होंने रेट लगा रखे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं चिकन की बात करूँ तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है वो गुजरात में चिकन मुकम्मल तौर पर जो है वो नायाब हो चुका है। सरकारी नर्क जो है वो उसके हिसाब से 260 रुपये जो है वो गुजरात में चिकन है मगर जो है वो अपनी मर्जी आपके तहत जो है वो पोल्ट्री मालकान जो है अपनी गुंडागर्दी भी रूल पर है उनको जो है वो चिकन अपनी मर्ज़ी से जो है अपने रेट पर जो है वो दिया जा रहा है। 350 से 360 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गुजरात में जो है वो चिकन की फ्रोट जारी है। और उसके साथ साथ जो डीसी गुजरात हैं उनके जो है वो पोल्ट्री मालकान के साथ जो मुजाकरात है वो भी नाकाम हो चुके हैं। और 3 दिन से जो है गुजरात में सरकारी नर्क पर जो है वो चिकन का रेट जो है वो दर्ज नहीं है। और इसके बाद अगर बैंगन की अगर मैं बात करूँ तो गंदम की जो कीमत है वो 14,000 रुपये है, मगर गुजरात में 19,000 से 20,000 रुपये के दरमियान जो है वो गंदम की फ्लोर जो है वो जारी है। जिली इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर इन माफिया का एक बस दिखाई दे रही है, घुटने टेक चुकी है। और गुजरात में जो इस वक्त चला है वो यही है कि शहरी जो है वो जलीलो खबार हो रहे हैं। शहरी उन्हें जो है वो मिर्ज़ा अवैस बेग ये भी आगाह कीजिएगा कि इस वक्त प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल कमेटियों का क्या किरदार है, वो क्या शहर में नज़र आ रही हैं? जी, प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो गुजरात शहर में मौजूद तो हैं, मगर उनकी कार्रवाई जो है वो सिफर है। किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो इन माफिया के आगे जो है वो ये इंतजामिया जो है वो बर्बाद हो गई है। माफिया जो है वो बाअसर है और ये जो इंतजामिया है गुजरात की वो इनके आगे जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई काम नहीं कर पा रही। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अवैस बेग, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ेंगे और हम रुख करेंगे लिया का, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद तारिक। जुनैद तारिक, लिया चूँकि एक ज़रई शहर है, ज़रई लखिता है, और यहाँ पर दीगर मसाइल के साथ जो एक इस वक्त हमें एक आफत का सामना है टिड्डी दल का, उसके भी हमलों का यहाँ पे काफ़ी सामना करना पड़ा है यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के ज़िम्मेदारों को। इस हवाले से भी बताइएगा कि टिड्डी दल के यहाँ फसलों पर और ग़िज़ा की जो काश्त है, जो हमारी खुराक की काश्त है, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड से हम अपनी खुराक हासिल करते हैं, उसमें कितने असरात मुरतब हुए हैं। इसके हवाले से किसानों को किन मसाइल का सामना है और हुकूमत पंजाब के इस हवाले से क्या इकदाम हैं? जो ज़िला लिया के इलाका में ज़िला लिया के इलाका बस्ती थल नशे में जो है ना तबाही मचा दी है। कपास, गंदम, कपास, मूंगी और जो है फसलात को नुकसान पहुँचाया है। दीगर फसलात जो हैं इस सिलसिले में किसानों को क्या मसाइल दरपेश हैं? हुकूमत का उनके साथ क्या ताउन है? कोई ताउन नहीं है जी। डिप्टी कमिश्नर असद रिया का कहना है कि मैंने 15,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे कराई है, जिसके बाद जो है ना टिड्डी दल का कोई वजूद नहीं है जी। तो इसमें किसान ज़्यादातर अपनी मदद आपके तहत इससे नबर्दा आजमा है, वो बर्तन खड़का कर या दूसरे तरीके से जो है ना टिड्डी दल का मुकाबला कर रहे हैं जी, भगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद तारिक। नाज़रीन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम फिर हाज़िर होंगे और ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ANN न्यूज़, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। बहुत शुक्रिया।